दोस्तों आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। दिस इज वीडियो नंबर 2। एरर्स जब रेक्टिफाई करते हैं तो पहले हम लोकेट करते हैं कि एरर कितनी जगह हुआ है। एक होता है वन साइडेड एरर, एक होता है डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर का मतलब है जिसमें दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा, एक लिखना था नहीं लिखा, एक उसके बदले लिख दिया, तो इसे डबल साइडेड एरर कहते हैं। इसमें सस्पेंस का उपयोग नहीं होता। सस्पेंस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उसमें होता है जिसमें हम सिंगल साइडेड एरर रेक्टिफाई करते हैं। डबल साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखिए, परचेस्ड फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। हम अपने पेपर में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री जर्नल के फॉर्मेट पर दिखाते हैं। मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर टू कैश। पर हमारे जर्नल के बेस स्ट्रांग नहीं थे, हमने बाय मिस्टेक लिख दिया परचेज टू कैश। काश हमारे अकाउंट्स में रबर सिस्टम होता, इरेजर सिस्टम होता, मैं परचेज को मिटा डालता और बदले में फर्नीचर को लिख डालता। पॉसिबल नहीं है। कैश तो ठीक हो गया, काट दो। गलत का उल्टा ठीक का सीधा, ये गलत है, इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब क्या? मतलब बोर्ड को उल्टा करना है। डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, क्रेडिट का उल्टा डेबिट होता है, तो परचेज को कर दो क्रेडिट, जो करना था डेबिट उसे डेबिट कर दो। गलत का उल्टा ठीक का सीधा। सेकंड, मशीनरी सोल्ड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। दोस्तों मशीनरी बेची है, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? पैसा आ रहा है, मशीनरी जा रही है, MACH शॉर्ट में लिख देते हैं। हमसे गलती हो गई, हमने लिख दिया पैसा आ रहा है और माल बेचा, गुड्स बेचे, जैसे सेल्स कर दिया, कैश कैश कट गया। गलत अकाउंट कौन सा पैदा हो गया? सेल्स। उस गलत अकाउंट का उल्टा करेंगे। गलत अकाउंट क्रेडिट किया है दोस्तों, सेल्स बिना बात पे क्रेडिट किया है, तो गलत का उल्टा क्या करेंगे? एंट्री बनी गलत का उल्टा ठीक का सीधा। सेल्स टू मशीनरी। ठीक है जी, रेंट पेड टू रवि डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड या रवि अकाउंट। कभी किसी खर्च पर, कभी किसी इनकम पर, कभी किसी का नाम नहीं आता। रेंट पेड टू रवि हो, माधुरी दीक्षित हो, कैटरीना कैफ हो, सलमान खान हो, भाड़ में जाओ रेंट टू कैश ही आएगा। चाहे रेंट पेड टू दिनेश सर हो, तब भी रेंट टू कैश ही आएगा। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट टू कैश। भाई साहब ने क्या कर दी? रवि टू कैश, कैश कैश कट गया। गलत का उल्टा ठीक का सीधा। गलत कौन? रवि भाई गलत, उल्टा कर दो। रेंट बिल्कुल ठीक, सीधा कर दो। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस, अब मालिक के घर का खर्चा ड्राइंग होना चाहिए भाई साहब। आफ्टर लिटिल बिट थोड़ा सा हो जाता गलती। डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, बिल्कुल गलत।
एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू कैश, हमने कर दी रेंट टू कैश, कैश कैश कट गया। गलत का उल्टा ठीक का सीधा, तो अब एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स टू रेंट। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। कैश पेड टू कालू, डेबिटेड टू लालू। कैश पे टू कालू, राइट एंट्री होनी चाहिए कालू टू कैश। हमने बाय मिस्टेक क्या कर दी, लालू टू कैश। गलत कौन, लालू। ठीक कौन, कालू। कालू को सीधा कर दो, लालू को उल्टा कर दो, तो एंट्री क्या बनी, कालू टू लालू। ठीक है बच्चों, कार्टेज पेड ऑन फर्नीचर, आज ही आपको कुछ बच्चों को बताया था फिक्स्ड असेट्स यूज करने से पहले उसके जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए खर्चे का नाम नहीं आता, हमें फर्नीचर लिखना चाहिए। डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट, कार्टेज पेड ऑन फर्नीचर, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर टू कैश। हमने क्या कर दी, कार्टेज टू कैश। जो करना है वो कर दो और गलत का कर दो उल्टा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे बच्चों, ये पॉइंट बहुत आता है, सेवंथ पॉइंट जो मैं करवा रहा हूं आपको, टाइपराइटर परचेज्ड। टाइपराइटर को दोस्तों ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, राइट एंट्री होनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। हमने कर दी ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश, कैश कैश कट गया। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, चेक ऑफ रोहित वॉज डिसऑनर्ड, डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बच्चों चेक डिसऑनर्ड की कोई अपने आप में एंट्री नहीं होती, चेक रिसीव की एंट्री का उल्टा चेक डिसऑनर्ड की एंट्री है। चेक रिसीव किया एंट्री होती है बैंक टू रोहित, तो डिसऑनर्ड की एंट्री होगी रोहित टू बैंक। हमने कर दिया सेल्स रिटर्न टू बैंक, गलत का उल्टा ठीक का सीधा, रोहित टू सेल्स रिटर्न। नाइन्थ, गुड सोल्ड टू रवि 50,000, रिकॉर्डेड एज 47,000। रिकॉर्डेड बोले गलती दोनों जगह हुई है। गुड सोल्ड टू रवि की एंट्री क्या होनी चाहिए, रवि टू सेल्स,
गुड सोल टू रवि की एंट्री क्या होनी चाहिए 50 से, हमने कितने से करी, कितने से कम करी, और कर दो एंट्री सिंपल कर दो रवि टू सेल्स, ये लो जी करो नोट। तो दोस्तों अब देखो जरा ध्यान से, ये हमने तीन पॉइंट पहले ही लिख दिए, इसको हम करते हैं सर, गौर से देखिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गगन अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, एक आदमी बैड डेट हो चुका था, वो आज हमें पैसे दे रहा है, तो मेरी एंट्री बननी चाहिए राइट वाली कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। मैंने कर दी कैश टू गगन, ठीक है जी। अब नेट कैश और कैश कट गया, गगन का उल्टा कर दो टू बैड डेप्ट रिकवर। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, राइट एंट्री असेट्स बन रही है तो असेट्स का नाम आना चाहिए बिल्डिंग टू कैश। इन्होंने कर दिया वेजेस टू कैश, कैश कैश कट गया। अब क्या होगा, बिल्डिंग टू वेजेस, रेक्टिफाई एंट्री। कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश। हमने क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन टू कैश, कैश कैश कट गया। अब क्या करेंगे, मशीनरी टू इंस्टॉलेशन, नोट कर लीजिए। हमने अभी तक आपको बताया, थोड़ा सा आराम से देखो तीन चार पॉइंट। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश, और इन्होंने किसे डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। चलो जी कैश कैश तो कट गया, डेबिट करना क्या चाहिए था बच्चों, ड्रॉइंग्स, जो करना है वो कर दो, जो गलत किया उसका उल्टा कर दो, ठीक है जी। रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स की एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स टू कैश। हमने क्या मिस्टेक करके कर दिया, डेबिटेड टू बिल्डिंग, यार रिपेयर्स को बिल्डिंग में कैसे डाल दिया, इन्होंने एंट्री कर दी बिल्डिंग टू कैश। चलो जी जो करना था रिपेयर, बदले में रिपेयर्स के बदले बिल्डिंग कर दिया, अब क्या करेंगे, रिपेयर्स डेबिट टू बिल्डिंग। गुड सोल टू रवि 50,000, रवि को 50,000 का सामान बेचा, एंट्री होनी चाहिए रवि टू सेल्स 50,000, रिकॉर्डेड एज 51, ज्यादा रिकॉर्ड किया तो रवि टू सेल्स का उल्टा कर दो सर 1,000 से, सेल्स टू रवि। दोस्तों आगे देखिए, गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि, रवि मुझे गुड्स वापसी कर रहा है, रवि मुझे गुड्स
टेकन इनटू स्टॉक, गोडाउन में सामान भी रख लिया बट एंट्री करना भूल गए। अब कर दो, एक फेवरेट पॉइंट इनका और है, गुड्स प्रोपराइटर ने विड्रॉ किए, गुड्स प्रोपराइटर ने विड्रॉ किए, कॉस्ट 2000, सेल प्राइस 2500, सेल प्राइस से तो मतलब है नहीं, एंट्री करना भूल गए, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। ये बड़ी प्यारी बात है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 मतलब 2024-2025 साल बदल गया, रिकॉर्डेड ऑन 31 मार्च 2024, इसका मतलब 23-24। सर ये क्या भाई, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि एक दिन पहले मुझे कौन सा भविष्य ज्ञात हो गया कि मैंने एक दिन पहले एंट्री कर ली, साल बदल गया। सर गौर से देखो, एंट्री करनी चाहिए थी 24-25 को, एंट्री कर दी 23-24 में, तो 23-24 में गलती हो गई, बिना बात पे एंट्री कर दी। पहला लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि ये एंट्री हुई कैसी। मैं 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर रहा हूं 2023-24, आज 31 मार्च 2024 है, तो 2023-2024 की बुक्स बना रहा हूं। मेरे दोस्त का फोन आया, तेरे मैंने पैसे देने थे, किस नाम के मेरे दोस्त का, मोहन, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा देख यार मैं एंट्री कर रहा हूं, दुकान बंद करने वाला हूं, तू 15 मिनट में आ जाएगा, कह रहा तू एंट्री कर, दुकान बंद कर, बाहर में आ रहा हूं। मैंने एंट्री कर दी कैश टू मोहन, ताला बंद करके इंतजार कर रहा हूं आधे घंटे से, आया ही नहीं। मैंने फोन किया, कह रहा मैं कल आऊंगा, बड़ा बदतमीज है, मैं तो एंट्री कर चुका हूं, अगले दिन आएगा तो मेरी किताबें बदल जाएंगी, अब मैं 24-25 की बुक्स में लिखूंगा, लेकिन मैं तो लिख चुका हूं, तो मेरी पिछले साल क्या गलती हुई है कि मुझे एंट्री जो नहीं करनी चाहिए थी मैंने कर दी, क्या कर दी मैंने, कैश टू मोहन। कोई बात नहीं, उल्टा कर दो, ये मैंने पिछले साल की गलती रिकॉर्ड ठीक कर दी 23-24 की, अगले साल क्या करूंगा, अगले साल एंट्री कर दूंगा कैश टू मोहन, पर पहले मुझे पिछले साल की गलतियां ठीक करनी है। पिछले साल ये गलती हुई, जो एंट्री नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने कर दी। चलिए सर जल्दी नोट कीजिए इसको। अब हमारी लास्ट कुछ ट्रांजैक्शंस रह गई हैं डबल साइड एरर की। गुड सोल टू राम, पास थ्रू परचेज बुक, ये कौन आदमी है, सेल्स की एंट्री परचेज में कर रहा है, राइट एंट्री होनी चाहिए राम टू सेल्स। इन भाई साहब ने क्या कर दी, परचेज टू राम, कुछ भी नहीं कट रहा भाई, ना राम डेबिट ना परचेज क्रेडिट, गलत का करो उल्टा, क्या एंट्री होगी, राम टू परचेजेस, और ठीक को करो सेम टू सेम रिकॉर्ड, इन दोनों को मर्ज करो, राम डेबिट 20 और 20 हो गया 40, टू सेल्स 20, टू परचेज 20, पहले करो सीधा फिर करो उल्टा, उल्टा पहले करो सीधा राइट फिर रॉन्ग, रॉन्ग का उल्टा फिर उसमें सही में जोड़ो। पर बच्चा हमसे पूछता है दिनेश सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता, मैंने कहा एक नंबर का, कह रहा बेटर है क्वेश्चन छोड़ो। क्या इसका कोई शॉर्टकट है, बिल्कुल है, ये लीजिए सर, ये रबड़ से मिटा दिया, ये रबड़ से मिटा दिया ये शॉर्टकट, लेकिन किसमें चलेगा पहले तो वो सुन लेना, ठीक है जी, रबड़ से ए, 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 जितना मिट सकता है हम अपनी तरफ से बेस्ट मिटा रहे हैं। सर ये राइट रॉन्ग देखो, पेपर में तो हमें सिर्फ कौन सी एंट्री दिखानी है, रेक्टिफाइड, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है शॉर्टकट, परचेज की एंट्री सेल्स में हो जाए सेल्स की परचेज में, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न में हो जाए सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न में, बीआर की बीपी में हो जाए बीपी की बीआर में, 6 कॉम्बिनेशन है बस, यानी परचेज की परचेज रिटर्न में हो जाए कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, सेल्स की सेल्स रिटर्न में हो जाए कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। गुड सोल टू राम, राइट एंट्री पढ़ो सर, राम टू सेल्स, हमने किस बुक में कर दी, परचेज में, दिमाग मत लगाओ, सेल्स क्रेडिट है तो परचेज भी क्रेडिट होगा, 20 और 20 40,
20,000 कोई दिनेश सर ऐसा और कराओ, ये लो जी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन 1,000 रुपए पास थ्रू सेल्स बुक, पास थ्रू गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन क्या एंट्री होनी चाहिए? राइट एंट्री पढ़ो, परचेज टू मोहन। हमने किस बुक में डाल दी? सेल्स बुक में। अगर परचेज डेबिट है तो सेल्स भी डेबिट हो जाएगा। 1,000, 1,000, 2,000 ये शॉर्टकट है। तो बेटा दो पॉइंट्स और करवाने हैं आपको, ठीक है जी। गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि, सर गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि कौन सी बुक है? सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू रवि 2,000 पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, एंट्री होनी चाहिए थी रवि टू परचेज रिटर्न, कर दी। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न भी क्या करेंगे? क्रेडिट। 4,000, 2,000, 2,000 लास्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न्ड टू रोहित 500। गुड्स रिटर्न टू रोहित का मतलब है रोहित टू परचेज रिटर्न। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? रोहित टू परचेज रिटर्न पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, एंट्री होगी रोहित टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट हो जाएगा। इधर कर दो 1,000, इधर कर दो 500, इधर कर दो 500। तो बच्चों डबल साइडेड एरर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे थर्ड वीडियो में सिंगल साइडेड एरर्स।